तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम मोबाइल से प्रतिशत निकालना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 699 का 25% निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मोबाइल में कैलकुलेटर की ऐप को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेटर की ऐप को ओपन कर लिया है। अब क्या करेंगे, 699 को लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। यहां पर हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे, हम गुना का चिन्ह प्रेस करेंगे, ठीक है। अब कितना प्रतिशत हम निकाल रहे हैं, 25% निकाल रहे हैं, तो 25 को लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, यहां पर हमें ये जो परसेंटेज का चिन्ह है इसको प्रेस कर देना है, ठीक है। हमारे मोबाइल में कहां पर है परसेंटेज का चिन्ह, ये है, इसको प्रेस कर देंगे और हमारे पास उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आया हमारे पास, 174.75। इसको यहां पर हम लिख देते हैं 174.75, ठीक है। आई होप दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है वो इस सवाल में क्लियर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल में हमें क्या करना है, 555 का 55% निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 555 को लिखेंगे, ठीक है। अब गुना के चिन्ह को प्रेस करेंगे, ठीक है। कितना प्रतिशत निकालना है, 55% निकालना है, यानी 55% निकालना है, तो 55 को लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, परसेंटेज के चिन्ह को प्रेस कर देना है। यहां पर परसेंटेज का चिन्ह है, इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास उत्तर आ जाएगा। क्या उत्तर आया हमारे पास, 305.25। इसको यहां पर हम लिख देते हैं 305.25। आई होप दोस्तों ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मोबाइल से प्रतिशत निकालना अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से मोबाइल की मदद से आप यहाँ पर दिए गए दो क्वेश्चनों को हल करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।